हेलो फ्रेंड्स, सीड क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, थंबनेल में देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो ये जो इन्वर्टर है बहुत ही यहाँ पर पावरफुल होने वाला है, और यहाँ पर गर्मियाँ आ चुकी हैं तो ज़्यादातर हमारे घरों में अभी पावर कट होने वाला है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जिससे कि आप पंखा वगैरह भी चला सकें और उसके साथ साथ 4-5 बल्ब भी इससे आराम से जल सकें। तो आज इसमें हम ये बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जो इस वीडियो में जो हम इन्वर्टर में जो बैटरी का यूज़ करने वाले हैं, तो ये जो बैटरी है हमें लूम सोलर तरफ से आया है। तो लूम सोलर कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल की कंपनी है जिसकी तरफ से हमें आज ये बैटरी आया है। तो उसका जो पैकिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोम की पैकिंग के साथ ये बैटरी है और देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का ये बैटरी है, और ऐसे लगता है कि एक लेड एसिड का बैटरी है जो कि 6 वोल्ट का बैटरी इसी साइज का आता है इसके आसपास का। पर दोस्तों, यहाँ पर ये एक लेड एसिड बैटरी नहीं है, ये एक लिथियम आयन बैटरी है जिसमें आपको मोटे मोटे सेल आते हैं जो लिथियम आयन के, वो इसमें लगा हुआ है और उसका जो पैक है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें 4 सेल देखने को मिलेंगे और इस बैटरी का जो कैपेसिटी है यहाँ पर 75 वाट आवर का है। तो इसमें आपको 6H 12 वोल्ट से ज़्यादा है, इसमें 3.2 वोल्ट का एक एक सेल है, और उसका जो सेल का भी फ़ोटो मैं अभी दिखा दूंगा, और उसमें देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है इस बैटरी के पैक में, और इसका जो साइट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा loomsolar.com में, वहाँ पर जाके इसको आप ख़रीद भी सकते हो। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। ये जो बैटरी है मैं दिखा रहा हूँ साइड में, इसी का यूज़ किया गया है इसके अंदर। उसके साथ साथ दोस्तों, इसमें एक 4S का BMS भी लगा हुआ है जिससे कि ओवर चार्ज या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और उसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है जिससे कि ये बैटरी फुल्ली प्रोटेक्ट रहता है और कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंट इससे आप नहीं कर सकते। और LiFePO4 का ये बैटरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैकअप देता है बैटरी में। तो ये है, आप अगर उसको ख़रीदना चाहते हो ख़रीद सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो इन्वर्टर है उसका जो कैबिनेट है उसको बनाने के लिए दोस्तों हमें PVC सीट का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर PVC सीट को काट लिया है, तो यहाँ पर मैंने सारा कटिंग कर लिया है, और इसका जो साइज़ है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर सभी जो पीस हैं उनको चिपका कर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। तो इंस्टेंट ग्लू से चारों तरफ से हमें जितना सारा पीस मैंने उसका मेजरमेंट दिया है उसी हिसाब से काट कर हमें निकाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा कैबिनेट आधा तो बन चुका है, अब हमें इसमें कटिंग्स करने हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉकेट लगेगा 5-पिन सॉकेट। तो यहाँ पर सॉकेट को मैंने ओपन करके उसके साइज का मेजरमेंट है वो यहाँ पर हम ले लेंगे पेंसिल से। तो यहाँ पर 2 सॉकेट हमारा लगने वाला है 5-पिन वाला। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से आप मेजरमेंट ले लीजिए, उसके बाद हमें इसमें कटिंग करना है। और स्विच के लिए यहाँ पर SPST स्विच का मैंने इस्तेमाल किया है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर हमें मार्क कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारा मार्किंग कर लिया है, और उसको काटने के लिए यहाँ पर जो होट कटर मैंने बनाया था, बहुत पहले एक वीडियो था उस वीडियो में मैंने पूरा इसका डिटेल दिखाया है कैसे आपको ये कटर बनाना है। अगर आपको ये देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, या फिर आई कार्ड में भी आपको ये इसका लिंक देखने को मिलेगा। तो इससे बहुत ही अच्छे से आप इस तरह के जगहों पर कटिंग कर सकते हो PVC को। तो सारा यहाँ पर काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर जो साफ जो यहाँ पर कॉर्नर है यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ एजेस हैं जो कि शार्प एजेस हैं, उनको हमें सैंडिंग कर लेना है एंगल ग्राइंडर की मदद से, या फिर आप सैंड पेपर से भी इसको कर सकते हैं। तो हमारा जो कैबिनेट है अभी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें जिस तरह से कटिंग किए थे जिन जिन चीज़ों के लिए, उन सभी को यहाँ पर हमें फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर 2 सॉकेट लगेंगे और यहाँ पर 2 स्विच।
तो स्विच एक इन्वर्टर ऑन के लिए होगा और दूसरा जो है सॉकेट के लिए बनेगा। और मैंने लाइट के जो इंडिकेशन लाइट हैं उसके लिए भी होल किए हैं। और यहाँ पर स्विच जो सॉकेट हैं सॉकेट के लिए इस तरह से होल करके उसका जो स्क्रू नट है वो लगा लेते हैं। ये सारे चीज़ तो लग चुके हैं। अब यहाँ पर पावर इनपुट के लिए मैं एक एसी का जो पावर सॉकेट हो छोटा वाला 2 पिन वाला वो ले आया हूँ। तो इसमें पीछे की तरफ एक कटिंग करके उसको यहाँ पर हमें बिठा देना है, जिससे कि हमारा जो इन्वर्टर में 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से हो सके, जो कि बहुत ही अच्छे से होता है। अब चलते हैं दोस्तों इन्वर्टर का बोर्ड की तरफ। तो ये वाला इन्वर्टर का बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक ऑटोमेटिक इन्वर्टर बोर्ड है। तो ये वाला देखिए दोस्तों, तो ये जो इन्वर्टर बोर्ड है इसमें सारा चीज़ ऑटोमेटिक है। आपका चार्जिंग भी ये करेगा और ऑटो कट भी करेगा, और जैसे ही लाइट जाएगा ये अपने आप ऑन होता है, लाइट आने पर ऑफ भी हो जाता है। और इसमें आपको सभी चीज़ें कॉम्बाइन करके दिया हुआ है। तो ये जो सेक्शन 3-4 सेक्शन इसमें बने हुए हैं। तो अब चलते हैं उसका जो वायरिंग है वो हम कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। तो पीछे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी कहाँ पर कनेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है। तो बी पॉजिटिव जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हमें पॉजिटिव वायर लगाना है बैटरी का, और नेगेटिव का साइन जहाँ पर है वहाँ पर नेगेटिव है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला पॉइंट है उसमें हमें पॉजिटिव देना है और नेगेटिव इस वाले हिस्से पर। तो यहाँ पर हम वायर लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमेशा वायर थोड़ा मोटा यूज़ कीजिएगा और कॉपर का ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई एम्पियर का लाइन रहता है। तो यहाँ पर मैं 0.7 mm का वायर को लिया है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर हमें सोल्डरिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पर सिंगल कलर के वायर का लिया है, तो आप यहाँ पर रेड ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट कनेक्शन है ये हमारा होगा स्विच का। तो यहाँ पर पिन निकले हुए हैं जहाँ पर स्विच को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर 2 वायर को हमें लगा लेना है। यहाँ पर ये जो पिन निकला हुआ है बीच में, तो इसी वायर के बीच में हमारा जो SPST स्विच है वो लगेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से अच्छे से सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ऊपर वाला स्विच है उसको यहाँ पर हमें लगा लेना है दोनों वायर के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों स्विच का कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर 220 वोल्ट का इनपुट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पिन वाला एक यहाँ पर एक टर्मिनल है। तो इसका जो ये 2 साइड वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमें 220 वोल्ट देना है, जो कि रिले के पास से आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने सॉकेट लगाया था उसी सॉकेट में 2 वायर लगाएंगे और ये जो बोर्ड है उसमें लाकर इसको जोड़ देंगे, जिससे कि बोर्ड में 220 वोल्ट का सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर का वायर मैं ले रहा हूँ, और इसको यहाँ पर ये जो 2 साइड के पिन है बीच को छोड़कर हमें लगा लेना है। तो ये तो रहा आपका इनपुट का 220 का। यहाँ पर अभी आउटपुट कहाँ से लेना है ये आपको अभी बताता हूँ। तो इसमें हमें जो मिडिल वाला पिन है तो उसी से हमें आउटपुट मिलेगा। तो पहले हमें ये जो लाइट है उस होल के साथ अलाइन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका बीच वाला जो कनेक्शन है वो किया है। तो बीच से एक वायर निकालेंगे और उसको इस तरह से बीच से थोड़ा सा छील कर मैंने दोनों जो सॉकेट हैं उनमें दे देंगे। तो यहाँ पर जो छीला वाला हिस्सा है वो पहले वाले सॉकेट और दूसरा वाला में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि आपका पैरेलल कनेक्शन एक बन जाएगा। तो बीच वाले में तो और एक वायर बचा, तो उस वायर को हमें ये जो साइड वाला वायर है देख सकते हैं ये तो गया यहाँ पर। अब ये वाला वायर जो साइड का है उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसी से एक वायर उठाकर हमें सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है उसमें दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट का जो इन्वर्टर का लाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने वायरिंग करके सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से अरेंज कर लिया है, और यहाँ पर मार्किंग किया है जो कि पॉजिटिव सेक्शन है जहाँ पर बैटरी लगेगा, और लाइट को भी यहाँ पर निकाल के ऊपर की तरफ लगा दिया है जहाँ से हमने होल किया था। तो चलते हैं दोस्तों इसमें अभी हम बैटरी को लगाएंगे।
तो बैटरी को लगाते वक्त हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखकर लगाइएगा, नहीं तो ये जो बोर्ड है वो ख़राब भी हो सकता है अगर उल्टा कनेक्शन कर देंगे। तो ये वाला मैंने मार्क करके रखा है, तो इसको पॉजिटिव के साथ और दूसरे वाले को नेगेटिव के साथ में सोल्डर करके लगा देता हूँ। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब मैं ऊपर वाला जो उसका कवर है वो भी लगा दिया। इसमें मैंने इस तरह से होल किया है जिससे कि थोड़ा सा वेंटिलेशन इसके अंदर हो सके, हीटिंग यहाँ पर निकलेगा उससे। तो इसको थोड़ा थोड़ा इंस्टेंट ग्लू देकर हमें लगा देना है। तो हमारा जो ये इन्वर्टर है बनकर तैयार तो हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको चेक करेंगे कि कितना ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला वेंटिलेशन का है और ये आपका, अभी स्विच ऑन करेंगे तो ये जो मिडिल वाला है वो ग्लो होता है। तो पीछे की तरफ मैंने प्लग लगा दिया है, तो अभी हम ऑन करेंगे इसको। तो उससे पहले यहाँ पर एक जो होल्डर है वो होल्डर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक 15 वाट का एलईडी बल्ब लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 15 वाट का एलईडी बल्ब है। तो यहाँ पर हमें ऊपर वाला जो स्विच है उसको ऑन करेंगे। तो ऊपर वाला स्विच इन्वर्टर का स्विच है, मेन स्विच, और नीचे वाला सॉकेट का है। तो ये वाला ग्रीन साइन आ गया बीच वाला, और ऊपर की तरफ का तो ये ग्लो होगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोशनी है इसकी, और इसका जो एक बल्ब के साथ बैकअप है 12 आवर है, और ज़्यादा लगाएंगे तो इस तरह से ये कम होता चला जाएगा। तो अब इसमें हम ज़्यादा लोड लगा कर देखेंगे। तो यहाँ पर एक 9 वाट का बल्ब है, तो ये भी अच्छे से जलता है इससे। तो देखें तो ये भी बहुत ही अच्छे से जलता है। तो एक साथ मैंने अभी लगा के देखूँगा कैसा जलता है, और उसका जो चार्जिंग है वो आप मैं दिखा देता हूँ। तो चार्जिंग के लिए जो सॉकेट है आपको प्लग में लगा लेना है और स्विच को ऑन कर देना है। तो ये जो बीच से उसका इंडिकेशन हट के आपका साइड वाला जो ब्लिंक कर रहा है वो जलेगा, जिससे कि पता लगेगा ब्लिंक होने से कि बैटरी चार्ज कर रहा है। ब्लिंक अगर स्टॉप हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि बैटरी फुल चार्ज हो गया है। और रेड वाला जो इंडिकेटर है वो फॉल्ट का है, मतलब ओवरलोड हो गया तो उसमें रेड लाइट जलेगा। तो इस तरह से जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगा ये इन्वर्टर मोड पर अपने आप शिफ्ट हो जाता है। देखिए ग्रीन वाला जो स्टेबल वाला है बीच में वो जल रहा है। तो इस तरह से ये चेंज होता है अपने आप, लाइट जाते ही और आते ही अपने आप ये शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमें इसके साथ ज़्यादा लोड लगा के दिखाता हूँ तो कैसा ये काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लाइट लगाया है और एक फ़ैन लगाया है। तो फैन में यहाँ पर दोस्तों ये एक डीसी फैन है। तो ये जो फैन है आपका 12 वोल्ट का है, तो इसमें एक एडाप्टर लगाकर 2 एम्पियर का मैं चलाऊंगा। तो अभी हम ऑन करेंगे, देखिए एक साथ लाइट और फैन दोनों ग्लो होंगे। तो प्लग मैंने अभी निकाला हुआ है और ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ढीला रहता है, तो यहाँ पर चालू हो गया है, तब भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से घूम रहा है। तो इमरजेंसी के लिए दोस्तों ये फैन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लाइट जाते ही अपने आप जलेगा लाइट और फैन भी अपने आप ही चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों गर्मियों में आप छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर दोस्तों ये बैटरी आपको परचेस करना है तो ज़रूर से यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।